राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज बहुत खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 398 दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार जवान मोर्चे पर हैं। मुठभेड़ शोपियां के चौगाम इलाके में चल रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए 11,12,195 सैंपल टेस्ट किए गए, वहीं कल तक कुल 67,10,51,627 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग कोरोना पाबंदियों के बीच त्यौहार मना रहे हैं। वहीं क्रिसमस के मौके पर लोगों ने गुजरात के अहमदाबाद के एक चर्च में प्रार्थना की। गोवा के पूर्व विधायक लवू मामलेदार सहित तृणमूल कांग्रेस के 5 प्राथमिक सदस्यों ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,199 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 387 लोगों की जान जा चुकी है। भारतीय मूल के जज नरेंद्रन जॉर्डी कोला पेन को दक्षिण अफ्रीका में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल उन्हें यहां की सर्वोच्च न्यायिक पीठ के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं करेगी, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। गुजरात के वडोदरा के जीआईडीसी क्षेत्र में स्थित केमिकल फैक्ट्री में धमाका होने से 4 वर्षीय बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं।